आज हम हिंदी की एक अभ्यास का एक व्याकरणों का अभ्यास करें। दोस्तों, आप सभी का असेसिबल एजुकेशन में स्वागत है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। सबसे पहला है चांद। चांद का अनल नहीं है, दिवाकर भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है, विभाकर नहीं है, हो सकता पर्याय परिष्कृत नहीं है, बादल नहीं है, नीरज भी नहीं है, और अनिल तो हवा का होता है, हिमांशु ये चांद का है। आइए इस पे हम टिक कर क्लिक करते हैं। स्वच्छ, स्वच्छ का सभी को पता होता है शुद्ध। भास्कर, भास्कर का, भास्कर माने सूर्य, और सूर्य का होता है दिवाकर। नेक्स्ट होता है दोस्तों जलद, यानी बादल। जलद का बादल ही होता है। हवा यानी वायु, वायु का अनिल होता है। ये देखिए, ये सभी सही हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द रस शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पय मृदु, तरल आनंद, स्वाद तरल आनंद स्वाद, ये तीनों जो हैं रस के अनेकार्थी शब्द हैं। पर पय दूध होता है, मृदु मीठा होता है, तो यही हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है कि दिए गए सही भाववाचक संज्ञा रूप से वाक्य पूरे कीजिए। फिर है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देश ने महान व्यक्तियों के का लाभ उठाया। मातृत्व का लाभ उठाया नहीं हो सकता, पितृत्व का नहीं हो सकता, नेतृत्व का हो सकता है, तो नेतृत्व पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है, क्रोध में अपना आपा मत खो। ये तो बहुत सरल है। नेक्स्ट चलते हैं। तेर करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तेरा मेरा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमारा वाक्य शुद्ध नहीं बनता है। बट तेर मेर करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये सही बनता है, तो इसको, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये सही है। आगे चलते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, यानी इसमें विराम चिन्ह पूछे जाते हैं, और विराम चिन्ह अगर हम नहीं जानते तो पूर्ण हिंदी व्याकरण पर हमारी कमांड कभी नहीं हो सकती है। ये दो चिन्ह दिए हुए हैं, इनको उद्धरण चिन्ह ही कहते हैं। ना तो ये उदाहरण चिन्ह हो सकते हैं, ना अल्प विराम चिन्ह हो सकते हैं, ये उद्धरण चिन्ह है। ये जो चिन्ह होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए चिन्ह किस चीज का है, पर ये चिन्ह जो होता है ये विवरण चिन्ह नहीं हो सकता, निर्देशक चिन्ह भी नहीं हो सकता, ये योजक चिन्ह ही होता है, क्योंकि माता पिता भाई बहन के बीच में आता है, तो ये योजक चिन्ह ही है। ये एक चिन्ह आ जाता है कुछ चीज़ लिखने के बाद, हम इस चीज़ इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को विवरण चिन्ह नहीं कहते, विवरण चिन्ह अलग होता है, विभाजक तो हो ही नहीं सकता, निर्देशक चिन्ह होता है, तो निर्देशक चिन्ह पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब हमारा स्कोर कार्ड आ गया है, हमने जो अब तक किया है वो सक्सेसफुल है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।